हेलो गाइज, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडोनेशिया में क्या हुआ है, बहुत ही भयंकर भूकंप आया है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कई हजार घर टूट गए हैं, कई हजार लोग विस्थापित हो गए हैं और कई लोग मारे गए हैं और कई लोग अभी गुमशुदा हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी ये बोल रही है कि हम ये आंकड़ा अभी पूरी तरीके से नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी तलाश जारी है लोगों की, लाशों की। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया है जहाँ के घर क्या हुए हैं दोस्तों, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, ठीक है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा घायल हुए हैं। ये घरों का ये चित्र है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस वक्त क्या हो रहा है कि चारों तरफ भूकंप ही भूकंप देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे दिल्ली में भी भूकंप आया था, कई शहरों में भूकंप आया, फिर अब इंडोनेशिया में ये भूकंप आया जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की हुई वो हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा ही कुछ हुआ था जब जापान में एक बार सुनामी आई थी भूकंप की वजह से। उस वक्त भी ऐसी चर्चाएं होती रहीं और एक वक्त के बाद ऐसा भूकंप आया जिसने जापान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और वो सुनामी आज तक की सबसे खतरनाक सुनामी मानी जाती है। और वैज्ञानिक अब ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्लेट्स खिसक रहे हैं, जो भूकंप आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत बड़ी तबाही हमको देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि इंडोनेशिया में जो भूकंप आया, जो लोग मरे, उसके कुछ वक्त बाद ही क्या हुआ कि जो सोलोमन आइलैंड है वहाँ पे उससे भी ज़्यादा, ये मान चलिए कि डबल तीव्रता से क्या हुआ, भूकंप आया। और ये भूकंप का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जब नेपाल में भूकंप आया, भारत में भी आया, ऐसा ही सिलसिला चल रहा था, वही सिलसिला फिर से चल रहा है। और ये डर एक बन गया है वैज्ञानिकों के मन में, तो कहीं ये बहुत बड़े खतरे की निशानी तो नहीं है। हम बात करेंगे इंडोनेशिया की और इंडोनेशिया में जो भूकंप आया उसकी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अगर वर्ल्ड नक्शे पे देखें तो इंडोनेशिया जो है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में आती है। यहाँ पे आप इंडोनेशिया का नक्शा देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ भारत से इतना दूर है, एशिया के पास में है, यहाँ पे इसका नक्शा है। वहीं पे इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे भूकंप पाया गया 5.6 रिक्टर स्केल का यहाँ पे भूकंप नापा गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दो जगह पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, एक तो जकार्ता में आता है, ठीक है, दूसरा आता है यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र है सियानजू शहर में। सियानजू जो शहर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो भूकंप आया ही आया, लेकिन ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा आबादी है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और इसका जो केंद्र है, क्योंकि भूकंप शुरू कहीं ना कहीं से होगा, तो इसका जो केंद्र है वो कहाँ है, सुलावेसी करके एक जगह है इंडोनेशिया में ही, वहाँ से ये इसका भूकंप का ये केंद्र फैला और भूकंप यहाँ पे इंडोनेशिया में आया, जकार्ता में भी आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रात का वक्त था और जब भूकंप आया तो लोग हड़बड़ी में थे, लोग गली में निकलने लगे, बाहर निकलने लगे, और उसी में क्या होता है 162 लोगों की मौत हो जाती है। पहले क्या होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, रात के वक्त पूरी तरीके से काम करते हैं, टार्च से लोग काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, और सड़क पे ही टेंट लगा कर लोगों का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फोन के टार्च से वो क्या करते हैं, लोगों के टाके भरते हैं। और क्या होता है, जब सरकार निरीक्षण करती है तो वो पाती है कि पहले कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब और निरीक्षण किया जाता है तो वो बताते हैं कि लगभग 162 लोगों की दोस्तों क्या हो गई है, मौत हो गई है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि 162 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी इस पर काम जारी है। और लगभग 300 लोग दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से घायल हैं, 300 से लेके 500 के बीच में, जिसमें क्या हुआ है दोस्तों, जो भूकंप आया था 5.6 का ही था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना भयंकर तबाही वहाँ पे आई है, ठीक है। जिसमें दोस्तों ये हुआ है कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो सियानजू शहर है ये क्या है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। जैसे हमारे इंडिया में मुंबई में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि शहर आबादी है, वैसे सियानजू जो शहर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरे। मैंने आपको बताया था स्थाई टेंट भी लगाए गए, मोबाइल से टाके लगाए गए, यहाँ पे ऐसी हालत थी, डॉक्टर कम पड़ गए तो वहाँ के नागरिक ही मिल के इस पर लगातार उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब और निरीक्षण किया जाता है तो ये पता चलता है कि 2200 जो घर हैं वो क्या हुए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, खराब हो गए हैं, और 5000 से अधिक लोगों को क्या किया गया है दोस्तों,
कि अपना घर छोड़ना पड़ा है, विस्थापित होना पड़ा है उस एरिया को छोड़ के, क्योंकि वहां पे अब कुछ बचा नहीं है, घर टूट गए हैं। केंद्र कहां था, मैंने आपको बताया कि लगभग 75 किलोमीटर के दूर था वहां पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उतने दूर पे भूकंप आया था, जहां से उसका पूरा असर देखने के लिए उनको मिला। मेरा ये मानना है दोस्तों कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक भूकंप है, क्योंकि परमाणु बम के बारे में आप जान सकते हैं कि चलो यहां पे अंदाजा है, यहां पे गिराएंगे, वहां पे गिराएंगे, कुछ मिनट पहले तो आपको पता चल जाता है, लेकिन भूकंप में ऐसा नहीं है। कोई मशीन अभी तक नहीं है जो हमको कुछ घंटे पहले बता सके, कुछ मिनट पहले भी बता सके, कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टैक्टिक्स जो प्लेट से होती हैं, जब वो खिसकती हैं तब भूकंप आता है। कभी कभी ज्वालामुखी फटने की वजह से जो उनके आसपास के एरिया है वहाँ भी भूकंप का कुछ एक असर दिखता है। तो हमें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता, कोई तकनीक विकसित नहीं है जिसकी वजह से हम क्या करें, लोगों को बता पाएँ और लोगों को बचा पाएँ। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, जब भी भूकंप आता है तो लोग मरते हैं, जब भी भूकंप आता है सुनामी आती है, सुनामी से तो हम बच जाते हैं लेकिन भूकंप से नहीं बचते हैं। इंडोनेशिया को दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे जापान को भूकंप का केंद्र माना जाता है वैसे ही इंडोनेशिया को भी भूकंप का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। क्यों भूकंप आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इंडोनेशिया है इसके आसपास बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, ठीक है, इसके आसपास बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, जब ये फटते हैं इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होता है और भूकंप आता है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा ये है जब टैक्टिक्स प्लेट जो नीचे होती हैं, जब वो खिसकती हैं, जगह बनाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होती हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2004 में, जब वहाँ पे 9.1 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिसमें आपको बता दूँ लगभग 14 देश क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। हिंद महासागर तट पर लगभग मैं आपको बता दूं 2.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा इतना ज्यादा खतरनाक था। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडोनेशिया में काफी ज्यादा तबाही आ चुकी है। अब मैंने आपको बताया था कि सोलोमन आइलैंड में भी क्या हुआ था, 7.3 का तीव्रता वाला भूकंप मापा गया था। वो क्या है ये देखिए, कहां पे है, इंडोनेशिया के यही पास में बहुत छोटा सा आइलैंड है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पे बहुत ज्यादा आदिवासी रहते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक लोगों को मना भी किया है कि वहाँ पे जो आदिवासी उनको बहुत ज़्यादा परेशान ना किया जाए। कभी कभार यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री आती है, कभी कभार यहाँ पे लोग जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत भयंकर एक मतलब क्या हुआ, भूकंप मापा गया। आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। और इसी वजह से ये खतरे की निशानी है। पहले हमारे देश में भूकंप आया, कई देशों में भूकंप आया, फिर इंडोनेशिया में भूकंप आया, लोग मरे, फिर वहीं उससे ज़्यादा बढ़ के भूकंप आया है कहाँ पे, सोलोमन आइलैंड पे। इस वजह से वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा शंका में हैं कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा एक सुनामी आ जाए। अब बात करते हैं क्यों भूकंप आता है। देखिए हमारी जो धरती है प्लेटों से बनी है, आपको पता है हमारी धरती के नीचे प्लेट्स हैं। जब वो प्लेट्स क्या होते हैं कि एक अपनी जगह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होता है तो इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, इसी वाइब्रेशन को हम एहसास करते हैं। लेकिन ये जमीन के अंदर होता है, ये अंदर होता है, तो कोई मशीन से हम यहाँ पे जांच नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, भूकंप में आज तक कोई मशीन विकसित नहीं हो पाई है। और क्यों नहीं हो पाई है, और इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जब हम कोई चीज़ विकसित करते हैं, अगर वो व्यावसायिक तौर पे बहुत बेहतर नहीं होता है तो कभी कभी वैज्ञानिक उस पर काम करना कम पसंद करते हैं। तो एक ये भी रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मे भी मैं गलत भी हूँ। और ये भी था इंडोनेशिया, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्कनें थे, जब वो बहुत ज़्यादा फटते हैं तो वाइब्रेशन पैदा होता है। ऐसे जैसे कोरिया ने क्या किया था, हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था तो भूकंप के झटके का एहसास हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं। लेकिन इन भूकंप को कैसे मापा जाता है, कौन सी मशीन है, इसका नाम है सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये क्या करता है, भूकंप को मापता है, उनकी फ्रिक्वेंसी को मापता है, कितना ज़्यादा ये वाइब्रेशन हुआ था। कैसे ये मापता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक पेपर होता है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर पेंडुलम लगा होता है। जब ये हिलेगा तब ये पेंडुलम क्या करेगा, इसकी जब ये हिलेगा तो अब एक फ्रिक्वेंसी बनाएगा, इसी फ्रिक्वेंसी को नाप के बताया जाता है कि जो भूकंप है वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना नहीं है। जितना वाइब्रेशन होगा भूकंप उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज हुई थी 1875 में, इटालियन फिजिसिस्ट थे फिलिप्पो सेची करके। इन्होंने ही क्या किया था, इसका खोज किया था पेंडुलम का यूज करके, एक मोशन पेंडुलम का यूज करके। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, आप भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहें, और जब भी ऐसा कुछ झटका महसूस हो तुरंत घर से बाहर निकलें, या अगर आपके घर में तख्त हो तो इसके नीचे छुप जाएं, अगर घर से बाहर
नहीं निकल सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।